प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा शहरों में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ हुआ है। साथ ही 131 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें कानपुर एवं आगरा शहरों की मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजधानी लखनऊ में 23 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित किया। अब प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर में भी रिकॉर्ड समय में मेट्रो का सपना साकार होने जा रहा है। कानपुर चमड़े और टेक्सटाइल उद्योगों के साथ शिक्षा के हब के रूप में भी विख्यात है। वाहनों के बढ़ते दबाव, तेज नगरीकरण के साथ सार्वजनिक यातायात को सुगम बनाने के लिए कानपुर में विश्व स्तरीय मेट्रो रेल सुविधा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई। कानपुर में 32.5 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये शहर के प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, शैक्षिक संस्थानों, मार्केट और बड़े रिहायशी इलाकों से होकर गुजरेंगे। 15 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 32.5 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर वाली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके बाद से ही IIT कानपुर से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अत्यंत तीव्र गति से निर्माण कार्य हुआ। निर्माण के लगभग 2 साल के अल्प समय में ही अब 10 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में कानपुर में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारी है। आने वाले कुछ ही दिनों में शहरवासियों को मेट्रो की सुविधा उपलब्ध होगी। IIT से मोती झील तक 9 स्टेशन वाला प्रायोरिटी कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड है। इसके प्रमुख स्टेशन IIT कानपुर, कल्याणपुर, SPM हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर, रावतपुर, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल और मोती झील है। उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सिविल निर्माण से लेकर सिस्टम्स तक हर काम का लक्ष्य निर्धारित करके सटीक रणनीति से उसे आगे बढ़ाया। कोविड की 2 लहरों की गंभीर चुनौती के बीच भी काम की गति को उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने बनाए रखा। साथ ही निर्माण में कई इनोवेशन भी किए गए हैं। स्टेशनों के तेज निर्माण के लिए देश में पहली बार DT गर्डर का प्रयोग किया गया। 25 जुलाई 2020 को पहले DT गर्डर रखे जाने के महज 7.5 महीने की कम अवधि में सभी 9 स्टेशनों के निर्माण के लिए DT गर्डर रख दिए गए। कानपुर मेट्रो के निर्माण कार्य को पर्यावरण एवं सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 14001 एवं ISO 45001 प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। गुरुदेव चौराहा स्थित कानपुर मेट्रो का डिपो भी बनकर तैयार है। यहीं से पहले कॉरिडोर की ट्रेनों का संचालन और उनका रखरखाव किया जाएगा। कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से लैस 3 कोच वाली 39 ट्रेन आनी है। ये अत्याधुनिक ट्रेन गुजरात के सावली में मेक इन इंडिया अभियान के तहत निर्मित हैं। 28 सितंबर 2021 को पहली प्रोटोटाइप ट्रेन आने के बाद से ट्रेन के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगभग 11,076 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसमें EIB की भागीदारी करीब 5,500 करोड़ रुपए है। UPMRC कानपुर वासियों को सुगम, सुरक्षित और विश्व स्तरीय मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
कानपुर मेट्रो, प्रगति के बढ़ते कदम।